देशभर में कोरोना काल में अनेकों लोगों की मौत हुई है। मौत के बाद इन लोगों को आर्थिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन एक फार्मा कंपनी मैनकाइंड ने आगे आकर कोरोना काल में अपने जीवन गंवा चुके कोरोना वॉरियर्स को आर्थिक मदद देने का जिम्मा उठाया है। ये फार्मा कंपनी डॉक्टर, नर्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट और पुलिसकर्मियों को कोरोना काल के कारण डेथ में हुए परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए 3 लाख रुपए के आर्थिक मदद के चेक दे रही है। फार्मा कंपनी ने बड़सर में एक केमिस्ट शॉप चलाने वाले व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी पत्नी को आज 3 लाख रुपए का चेक एसपी ऊना के माध्यम से सौंपा। धन्यवाद। फार्मा कंपनी के अधिकारी की माने तो उन्होंने पिछले साल 130 करोड़ रुपए का बजट कोरोना काल में जो लोगों की मौत हुई है और फ्रंटलाइन वर्कर थे उन पर खर्च किया है। उनके परिवारों को 3-3 लाख रुपए का चेक फार्मा कंपनी ने दिया है। इनकी माने तो फार्मा कंपनी लोगों को कोरोना काल में आर्थिक मदद कर रही है। इस साल भी काफी लोग कोरोना काल के दौरान मौत का शिकार हुए हैं, जो कि हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर थे। उनको भी ये 3 लाख का चेक सौंपा जा रहा है और मदद का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वी आर प्रेजेंटिंग मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा ने कोरोना में जितना भी मतलब जितने भी केमिस्ट, फार्मासिस्ट, होलसेलर, डॉक्टर्स जिनकी डेथ हुई है उनको हमने फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश की है। जब सारे दरवाजे बंद थे तो कहीं ना कहीं मैनकाइंड आगे आई, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो जब सारे लोग घरों में थे तो सिर्फ डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर ये लोग ही खुले थे ताकि हम लोग बच सकें, हमारा बीमारी से बचाव हो सके। तो आज अगर इनकी किसी की भी दुर्भाग्यवश किसी की कोरोना की वजह से डेथ हुई है तो हमने एक वीडियो उठाया था कि हम कहीं ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प करें। तो इसलिए हम जितने भी फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर वालों की डेथ हुई है कोरोना में उनको 3-3 लाख का चेक दे रहे हैं। आज यहाँ पे बड़सर से मलयाल मेडिकल स्टोर है तो उनकी विक्रम जी उनकी डेथ हुई थी तो उनकी वाइफ मधुबाला जी उनको बुलाया गया, तो उनको 3 लाख का चेक एसपी साहब के थ्रू हम दिलवाने जा रहे हैं। साथ में हमारे केमिस्ट एसोसिएशन कॉपरेट कर रही है, मिस्टर मनीष चड्डा जी हैं, मिस्टर अमरजीत जी वो भी आए हुए। तो सर आज तक कितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं आप? देखिए पिछले साल हमारा बजट जो था वो 130 करोड़ का था, वो पिछले साल लग गया। इस साल भी हमने काफ़ी इसमें अभी जो हमारे पास लिस्ट काफ़ी आई है, अभी 5-6 दिन पहले तो हमने 2 करोड़ 70 लाख आंध्र प्रदेश में पुलिस वालों को, 90 पुलिस वालों को डेथ हुई थी वहाँ पे वितरित किए। तो अभी लिस्ट तो नहीं, अभी इस साल हमारा 100 करोड़ का बजट है तो हम चल रहे हैं, जो भी मतलब जिनकी भी हमारी नॉलेज में आ रहा है तो उनको हम ये सहायता राशि दे रहे हैं। ठीक है।